देखो मार्वल को जब ये समझ में नहीं आता है कि फाइनल फाइट को एंड कैसे करे, तो पता है वो क्या करता है? वो बैड गाय को गुड गाय में कन्वर्ट कर देता है। मतलब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो आपको याद ही होगी, उसमें स्कारलेट विच को लोगों ने कितना समझाया, लेकिन उसके बाद भी उसने पूरी मूवी में इधर से उधर तबाही मचाई, कितनों को मारा और एंड में एक इमोशनल सीन दिखा के मतलब वो सुधर गई कुछ भी। तो ऐसे ही दोगले सुपर विलन्स की तरह दोगले सुपर हीरोज भी हैं जो टाइम टू टाइम विलन बनते रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही दोगले सुपर हीरोज को नापेंगे। सिविल वॉर में अपनी टीममेट एवेंजर्स के अगेंस्ट लड़ने और उसके जस्ट बाद थानोस के स्नैप से अपनी फैमिली को गवा देने के बाद हॉकआई का दिमाग पूरी तरह से सटक चुका था, जिसके चलते उसने डिसाइड किया कि अब वो उन क्रिमिनल्स को एक एक करके मारेगा जो थानोस के स्नैप के बाद भी बच गए हैं। इसी वजह से उसने अपना एक नया गेटअप लिया और एक नई पर्सनैलिटी बनाई जिसका नाम था रॉनिन, और उसके बाद एक मर्डर स्प्री पर निकल गया, क्रिमिनल्स का बैक टू बैक मर्डर करने लगा। कोई भी हीरो हो वो जल्दी किसी को जान से तो नहीं मारता जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, बट हॉकआई क्रिमिनल्स को सीधे मार ही रहा था। तो मतलब बेसिकली उसकी एक मेंटालिटी जो थी वो लगभग एक विलन जैसी हो गई थी, अनलेस नताशा उससे आकर मिली, उसे समझाया कि आओ बाबू चलो घर चलो, और उसके बाद वो नताशा के पीछे पीछे चला गया। तो बेसिकली वो एक विलन था नहीं, बट उसकी जो मेंटालिटी थी वो एक हीरो वाली भी नहीं थी। वैसे लोकी की तरह डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत जल्दी तुरंत ही ये डिसाइड नहीं करता कि उसे किस साइड जाना है, अच्छाई की साइड या बुराई की साइड। वो अपना टाइम लेता है, अपने पर्सनल गेन्स के बारे में सोचता है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करता है। एंड एवेंजर्स की टीम में होते हुए भी कई बार उसने ऐसे कई सारे डिसीजंस लिए हैं जो उसकी अपनी खुद की मर्जी के हैं और एवेंजर्स की मर्जी के खिलाफ के हैं। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज नॉट अ टीम प्लेयर। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमें नो वे होम में देखने को मिला था, जब वांग के मना करने के बावजूद उसने पीटर के कहने पर वो मंत्र पढ़ा एंड मल्टीवर्स खोल कर दुनिया के ऊपर, अपने ऊपर एंड पीटर के ऊपर भी मल्टीवर्स के पागल विलन्स को अनलीश कर दिया। देखा जाए तो पीटर तो एक टीनेज स्टूडेंट है, वो नहीं समझता, बट डॉक्टर स्ट्रेंज काफी मैच्योर है, उसे ये चीज समझनी चाहिए थी एंड उसे स्पेल नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने स्पेल को किया। इसके अलावा उसका एक प्योर इविल वर्जन भी हमने देखा था, सिनिस्टर स्ट्रेंज, जिसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। अपने लव को खोने के बाद उसने डार्क होल्ड का सहारा लिया और फिर मल्टीवर्स में जाकर ऊटपटांग हरकतें करने लग गया। बेसिकली सिनिस्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं, एक साइको था, साइको विद सुपर पावर्स। डिज्नी क्या 30 स्टोरीज बना रहा है इस समय, इसका प्रूफ है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसमें उसने हमें ये नया कैप्टन दिया था। ये जॉन वॉकर को कैप्टन का सक्सेसर इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसके पास 3 मेडल ऑफ ऑनर थे एंड वो लंबा चौड़ा था, लेकिन इसका अपने इमोशंस पर, खासकर अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं था। बेसिकली ये हल्क के लिए ज्यादा अच्छा कैरेक्टर था। मैं गुस्से में ही रहता हूं। हमने कई बार देखा है कि कैप्टन ने अपने गुस्से पर काबू रख के कई बार चीजों को बहुत काम माइंड से हैंडल किया है, बट ये प्रॉपर्टी जॉन के अंदर नहीं थी, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर सीधे सीधे कैप्टन की शील्ड से एक फ्लैग स्मैशर को मार दिया था। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार ये सीन देखा था, मतलब सीन क्या, कैप्टन की शील्ड में पहली बार जब खून लगा हुआ देखा था तो मतलब गूज़बम्स आ गए थे, लग रहा था ये क्या ही कर दिया इन्होंने कैप्टन की शील्ड के साथ, उसकी पूरी तरह से बेइज्जती है ये। उसने कैप का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो विलन माइंडसेट तो इसका स्टार्टिंग से ही था, ही वाज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ हीरो बट ही वाज अ विलन इंडीड। कैप का बेस्ट फ्रेंड और वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर बकी बांस काफी टाइम के लिए विलन बनकर हमारे सामने आया। ऑल्दो टेक्निकली देखा जाए तो विलन बनना बकी बांस की चॉइस नहीं थी, उसे तो हाइड्रा ने एक तरह से प्रोग्राम करके विलन बना दिया था। स्टिल विलन बनने के बाद उसने जो जो कांड करे, जिस तरह से खासकर टोनी के पेरेंट्स को उसने मारा था, ये देखने के बाद मतलब देखा जाए तो टोनी के पेरेंट्स के मर्डर वाला सीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का डार्केस्ट सीन है। तो ही वाज प्योर विलन फॉर क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, बल्कि देखा जाए तो वो अपने विल के अगेंस्ट विलन था, बट था। शुरुआत की उसने एक हीरो बनकर, फिर एक विलन बनाया गया और फिर वापस से आ गया हीरो बनके। भैया डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है। ऐसी ही एक बेवफा लड़की ये भी है, जिसने अब तक जाने कितनी बार पाला बदला है। स्टार्ट की विलन बनकर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, फिर उसी में हीरो बन गई, सॉरी हीरोइन, हीरोइन समझा। फिर विजन के मरने के बाद हमें ये कंफर्म ही नहीं हुआ कि ये विलन है या हीरोइन है, लेकिन फाइनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसने औकात दिखा दी और आ गई फुल फॉर्म में और सिंगल हैंडेडली जाने कितनों को पेला। और जिस टाइम स्कारलेट विच अपनी फुल पावर में चल रही थी, वहां पर जो एक कुछ हॉरर मूवी टाइप सीन थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि ये एक्चुअल में कोई सुपर हीरो मूवी नहीं चल रही है, कोई हॉरर मूवी चल रही है लाइक एविल डेड। तो हाँ, स्कारलेट विच अगर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाए तो भाई वो मार्वल की सबसे ब्रूटल विलन्स में से एक बन जाए। अब देखो नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का सबसे मेन विलन है, बट स्टिल इसका हाल भी काफी हद तक बकी बांस जैसा है, क्योंकि अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद इसके अंदर एक अल्टर ईगो डेवलप होने लगा और वही अल्टर ईगो
इसे ग्रीन गॉब्लिन बनाता है। हमने पुरानी वाली स्पाइडरमैन में भी देखा था कि पर्टिकुलरली नॉर्मन ऑसबॉर्न एक अच्छा आदमी था, उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे, बट जब उसका अल्टर ईगो उस पर हावी होता था तुरंत ही वो उसे ग्रीन गॉब्लिन में बदल देता था। नो वे होम में भी नॉर्मन ऑसबॉर्न आया था, उसने पीटर के साथ हाथ मिलाया था दूसरे विलन्स के लिए, जो क्योर जो इलाज पीटर क्रिएट करना चाह रहा था उसमें भी इसने साथ देने का वादा किया था, बट उसके कुछ टाइम बाद ही इसका अल्टर ईगो इस पर फिर से हावी हो गया एंड उसके बाद तो इसने आंटी जी को ही पेल दिया। तो जब तक अल्टर ईगो नहीं आता नॉर्मन ऑसबॉर्न एक हीरो है, बट अल्टर ईगो के आते ही वो स्पाइडरमैन यूनिवर्स का नंबर एक विलन बन जाता है। मैं किसी भी वेनम को उठा लूं, चाहे टोबी मैग्वायर वाला हो, टोबी वाला तो प्योर इविल था, उसका तो होस्ट भी इविल था, इसी वजह से उसकी बात हटाते हैं। अभी के टॉम हार्डी वाले वेनम की भी बात करें तो ये भी पहले पहले जब अर्थ पर आया और एडी की बॉडी पर कब्जा किया उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने लिटरली एडी को किडनैप किया था, आई मीन उसकी बॉडी को, और इंसानों को लजीज तो ये हमेशा से मानता रहा है, इवन इंसान इसका फेवरेट फूड है। प्लस इवन इसने एडी को भी कई बार मारने की धमकी दी थी, पहली बार मिला था तभी धमकी दे दी थी कि मेरा साथ दोगे तो बच जाओगे, मेरा साथ दोगे तो बच जाओगे। अब क्योंकि एडी जो वेनम का होस्ट है वो एक्चुअल में एक हीरो वाली मेंटालिटी रखता है, तो बहुत धीरे धीरे ही सही बट वेनम उसकी बातें मानने लगा। बट अभी भी वेनम एडी के फुल कंट्रोल में नहीं आया है, वो जब चाहता है अपनी मर्जी चलाता है, और कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट भी एक विलन वाला है। और सोच कर देखो, अगर उसे एडी छूट दे दे तो उसे वेनम से रायट या कार्नेज बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड अल्ट्रॉन, जिसे एक्चुअल में एक बहुत बड़े बहुत नोबल पर्पस के लिए टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था, वो पर्पस था पीस कीपिंग प्रोग्राम, दुनिया को एलियंस के अटैक से बचाने के लिए। बट जिस मोमेंट से अल्ट्रॉन कॉन्शियस हुआ वो समझ गया था कि अर्थ को एलियंस से ज्यादा यहाँ के इंसानों से खतरा है, इसीलिए पहले उसे इंसानों को मिटाना होगा, और इसीलिए वो एवेंजर्स के एज वेल एज पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चला गया। और फिर आगे उसने क्या रायता और चटनी फैलाई थी ये सब तो आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देख ही रखा है, तो उसे बनाने का इंटेंशन बिल्कुल ही पीसफुल एंड हीरोइक था, बट स्टिल जो फाइनल आउटकम आया वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा विलेनियस था। और देखा जाए तो अल्ट्रॉन मार्वल के सबसे बैड एस विलन्स में से एक है। सो ऐसे और कौन से दोगले हीरोज हैं जो टाइम टू टाइम विलन बने हैं या पूरी तरह से विलन बने हैं, कमेंट करके मुझे बताओ। एंड इसके साथ ही वीडियो सही लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर से कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। एंड इफ नए हो देन सब, सी यू इन नेक्स्ट वन।